में गांधी जयंती पर बापू की प्रतिमा पर आंसू बहाने वाले सपा नेता फिरोज खान का अब कानून की धज्जे उड़ाए जाने का वीडियो सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने आज कानून की धज्जे उड़ाते हुए चंदौसी के कोतवाल के कक्ष में अपने समर्थकों के साथ पालिका के ईओ के साथ जमकर अभद्रता की और हंगामा काटा। कक्ष में मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह पालिका के ईओ को समाजवादी पार्टी के नेता और उनके समर्थकों से बचाया। दरअसल सपा नेता फिरोज खान और उनके समर्थक कल रात नाली में डूबने से हुई मासूम की मौत के मामले में पालिका के ईओ राजकुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कोतवाल ने सपा नेता और पालिका के ईओ को आपसी वार्ता के लिए कोतवाली अपने कक्ष में बुलाया था। वार्ता के लिए ईओ जैसे ही कोतवाल के कक्ष में पहुंचे, सपा नेता और उनके समर्थकों ने कानून की धज्जे उड़ाते हुए ईओ को पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए अभद्रता करते हुए हंगामा करने लगे। इस बीच सपा नेता ने विवादित बयान देते हुए बीजेपी को डांसरों और दूसरों को मजाक उड़ाने वाले लोगों की पार्टी बताया। अंदर व्यवहार किया उसको लेकर मैंने कोतवाल साहब से बताया भी है और कल की जो बात है मुझे जानकारी में आई और वाकई में मैं इसके लिए अंदर से बहुत ही दुख की बात है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से जितना संभव रहा, आप लोग भी ये देखे होंगे कि जल भराव वहाँ था, रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बंद था, जो पुलिया थी मेरे प्रयासों से उसे खुलवा के पावर हाउस की तरफ मैंने पानी निकलवाया भी काफ़ी हद तक और इसका एक प्रोजेक्ट बन के तैयार है। चूँकि आप ये जानते हैं कि उधर जो है ढाल उस साइड था, अगर इस साइड को ढाल करना तो तुरंत आज ही नहीं हो पाएगा, फौरी तौर पे जो व्यवस्था हो सकती थी वो मैंने किया है। सर, ये समस्या तो बहुत लंबे समय से चल रही है लेकिन ये बच्चा मरने के बाद ही आप लोगों को इसका ध्यान हो रहा है? नहीं, इसके पहले भी हमने इसका किया है और आप लोगों के संज्ञान में भी है कि रेलवे पुलिया को खुलवा के उधर से पानी निकलवाया गया। कल शाम यह हादसा हुआ है तो इतना अभी समय आप नहीं निकाल पाए कि उसके परिवार से जाकर मिल लेते या मोहल्ले के जो जो विरोध कर रहे हैं लोग उनको समझा बुझा? नहीं, देखिए ऐसा कि इसी के रिगार्डिंग मैं SDM साहब से भी मिला और अपने JE RI और SI के साथ मैं वहाँ गया कि इसमें अभी क्या हो सकता है। मैं मानता हूँ जिसके परिवार से घटना होती है वो तो चाहे जिस वजह से हो वो काफ़ी दुखी भी रहता है, वो मेरे साथ भी होगा तो मैं भी ऑब्वियसली ये होगा। और वहाँ की व्यवस्था के लिए हम निरंतर पहले भी लगातार प्रयासरत थे, अभी भी हैं और जल्दी ही इसका कुछ न कुछ भी आगे भी इस तरीके की अगर बातें मामले सामने आते हैं लोगों के बच्चों के डूबने की तो क्या जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए जहाँ तक बच्चों की डूबने की बात है तो ऐसा नहीं है कि पालिका की तरफ से ये है कि जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, बाकी हर किसी को अपनी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है। मैं सफाई को लेकर भी कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से जो भी कार्य करता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी का जब सहयोग होगा तभी बेहतर हो पाएगा। अच्छा, ईओ साहब मिलेंगे आप उसके जाकर अभी? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ईओ साहब अभी आपके साथ सपा जिला अध्यक्ष ने बदतमीजी की थी पुलिस के सामने, उसमें क्या कहा? उसमें कोई आप तहरीर दे रहे हैं उनकी? उनके बारे में जो उन्होंने कहा मैं अभी मौखिक तौर पर अवगत भी करा दिया हूँ और अभी हम इस संदर्भ में SDM साहब से भी मिलेंगे। कोई कानून क्या कर लगता है कि सही किस तरीके का व्यवहार सही व्यवहार था उनके? ये तो जैसा भी था ये आप लोग से कोई छिपा नहीं है, आपके सामने ही था और कोई मैं ऐसा कोई अपराधी तो हूँ नहीं कि जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ और आम पब्लिक से भी हमेशा मैं टच में रहता हूँ, ऐसा आप देखते भी हैं। आज भी सुबह जो है वार्ड नंबर 1 में अगर देखें तो मैं 6:45 से 7:30 तक था, सफाई व्यवस्था ही देख रहा था। जो कर्मचारी नहीं मिले उन्हें मैं एब्सेंट भी किया हूँ। मासूम अलबख्श की नाली में डूबने से मौत हुई, नगर पालिका को लापरवाह माना परिजनों ने। आप कोतवाली में आए हैं, क्या पूरा मामला है अभी तक? मौतें तो इससे पहले भी हो चुकी हैं लेकिन संज्ञान में नहीं आया था। इन्होंने तो बहुत लोग मार दिए नगर पालिका चंदौसी में, कोई गंदगी से मर जाता है, कोई डेंगू से मरता है। आज 11 महीने का बच्चा नाली में घर के दरवाजे में मर गया क्योंकि वहाँ पानी बहुत इकट्ठा है, गंदगी बहुत है। और नगर पालिका ने, मैंने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके पर भी कहा था या जश्न मन रहा था तुम्हारे पड़ोस में कंपनी बाग में, लेकिन मैंने जब भी कहा था अधिकारियों से, लेकिन जब बच्चा अब चला गया 11 महीने का तो अब ये कहते हैं यो को JE को बुलाया है या कोतवाली में चाय पी रहे थे यो और JE वगैरह विभाग के लोग सा सम्मान, तो अब जो तहरीर आई है उनके खिलाफ तो खलबली मच गई। अब मुकदमा कायम होगा, FIR शाम तक नहीं होगी
तो फिर देखते हैं आगे क्या। अभी आपकी कहाँ सुनी हुई आपकी युग है, इस बार पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया? पुलिस ने, हमने युग को हत्या अरेस्ट कराया तो है। आपने युग सामने चाय पी रहा है, सम्मान बैठा हुआ मुलजिम, 302 का मुलजिम है, बच्चा मारा हमने, नगर पालिका पूरी जिम्मेदार है, वो इसमें जांच करके कर रहे हैं, पुलिस कह रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमें संतुष्ट किया है कि इसमें 2-3 लोग कम से कम जेल जाएंगे, हमारा काम सस्पेंड या पनिशमेंट से नहीं चलता, जेल जाए खत्म नौकरी, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी और माननीय मोदी जी तो ही मानेंगे, नहीं तो ये हवाई मामला, जमीन पे है नहीं कुछ इनका, खाली झंडा लहरा रहा है और झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, पिछले 2 अक्टूबर को आपकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, सफाई की भी हुई थी उसमें, और ये वो यही मामला था जिस मोहल्ले से लक्ष्मण से मैं आया हूँ, मैं कहकर आया था, मैंने उच्च अधिकारियों को, माननीय SDM साहब को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को बताया था, इस मोहल्ले में गंदगी की नालियाँ हट गई हैं, पानी खड़ा है, इसको सफाई करा दो, कुछ हमने भी किया आज बापू की जयंती पर, प्रतिमा पर आया, धूल चढ़ी थी, पीठ थी, सफाई की, मैं भावुक हो गया वहाँ, तो मेरा BJP के लोगों ने मजाक उड़ाया, जिनका मजाक आज उड़ाना चाहिए, देश उड़ा रहा है, फिर देश उड़ा रहा है मजाक, इन्हें पता नहीं है कि हमारा मजाक उड़ रहा है, ये मौज मस्तियों में मस्त है, ये ढोंगी पार्टी है पूरी तरीके से, अलीगढ़ में डांस कर रहे हैं 2 अक्टूबर को इनके MP, तो ये तो मनोरंजन और डांस पार्टी की पार्टी हो गई है। अच्छा, वहीं के स्थानीय लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाया है, अभी भी SDM से भी उस बात को कहा, क्या वो माइनॉरिटी के हैं, झांसी में पुष्पेंद्र यादव मारा जाता तो यादव है, संभल में अगर दलित मारा जाता तो जाटव है, तो जाटव, दलित, यादव, मुस्लिम, ये तो इनके निशाने पर हैं लोगों के, इनके साथ भेदभाव नहीं होगा तो किसके होगा, वो मुस्लिम बस्ती है और दलित बस्ती कमजोर लोगों की, तो वहाँ सफाई करने BJP वाले क्यों जाएंगे भाई, जहाँ उनको वोट लेना वहाँ जाएंगे वो, तो वहाँ उन्हें कोई लाभ नहीं है, इसलिए वहाँ बच्चे मरे या बड़े मरे। अच्छा, आपने जो शिकायत पत्र दिया उसमें क्या बात कही है आपने? नहीं, उसमें सीधे सीधे FIR लिखा है, नगर पालिका देखिए दोषी है, इसमें लीपा पोती का कोई काम नहीं है, समाजवादी पार्टी चाहती है निष्पक्ष काम और जमीनी सतर पर काम और न्याय मिले, और सबसे पहले गरीब के साथ खड़े हैं हम लोग, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और माननीय नेता जी का कहना है, गरीब के साथ खड़े रहो, उसकी दुआएं भी लोगे, उसका सहारा बनोगे, तो वो तुमको बहुत कुछ आगे बढ़ाएगा। इसने जांच की बात कही है कि जांच के बाद हम आपको, अरे जांच क्या होती है, 6 बजे नकल लूंगा, नहीं तो यहाँ कोतवाली घिर जाएगी, क्या बात करते हैं आप, दर्ज नहीं होता तो आपकी तरफ से, जांच क्या होती है, जांच का भी विषय है कि बच्चा मर गया, दफन करने चले गए उसको, अरे भाई बच्चा कोई अपना खुद मार देगा, अरे नाली में गिर के नगर पालिका दोषी है, उसमें जांच की बात कहाँ से आ गई, 6 बजे तक चेक नहीं मिली तो देखेंगे आगे क्या होगा।